भाई साहब, अरे वाह, ये गोलगप्पा खाने पर 500 रुपए मिलती है। कोने में आ नहीं रहा है, बता साहब। सब वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए हो रहा है ना, मुझे पता है। इतना बड़ा गोलगप्पा इस ब्रह्मांड में नहीं बन सकता। तो भैया क्या हाल चाल है आपके? भाई लोगों, दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में चल रहा है फूडी ब्लॉगर और फूड। जैसे कि मेरी एक पहले वीडियो आपने देखी थी, उसमें भैया आपने 100 व्यूज दे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। इसमें 200 व्यूज करवा देना, मैं आपका एहसानमंद हो जाऊंगा। तो भैया, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि एक गोलगप्पे वाला मूथ के आ जाता है, मूथ के अपने हाथ भी नहीं धोता है और उन्हीं हाथों से सबको गोलगप्पे खिला देता है। टट्टी वाला जो है अपना फ्लेवर बना के बेच रहा है और दुनिया की भीड़ टूट के पड़ी हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में भैया हम बात करेंगे इन फूडियों के चैलेंज के बारे में। ये एक से एक चैलेंज निकाल के दुनिया का चूतिया बनाते हैं, और चूतिया किस तरीके से बनाता है आज आप इस वीडियो में देखोगे। करना भैया, मुंह से गाली निकल गई। मैं भैया ऐसे तो करूंगा नहीं, क्या करूं मेरे भैया, मेरे मुंह से गाली निकल गई। खैर छोड़ो, शख्स की फोटो देख लो भैया। ये भैया जितने शक्ल से शरीफ दिखाई देते हैं, अंदर से उतने खलबली है इनके दिमाग में। भैया दुनिया के गोलगप्पे वाले फेमस होने के लिए एक से एक चैलेंज निकाल रहे हैं, तो भैया ये भैया कैसे पीछे रह जाएंगे? तो भैया इन्होंने भी एक चैलेंज निकाला है, वो क्या चैलेंज निकाला है चलिए देखते हैं। मतलब 500 रुपए खाने वाला देगा आप लोगे? हम देंगे। आप दोगे गोलगप्पा खाने 500 रुपए? तो ऐसा क्या गोलगप्पा है आपका? ये ना, मतलब भैया गोलगप्पे का साइज देख रहे हो, इसको गोलगप्पा क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान के खान बाबा का पेट क्यों नहीं घोषित कर देते? इसका साइज देख रहे हो भैया, पाकिस्तान के खान बाबा के पेट से कम नहीं लग रहा है। ये गोलगप्पा है भैया, रात कचौरी है। रात कचौरी समझ लो, रात कचौरी समझ लो। एक बार नॉर्मल वाला दिखाओ अपना गोलगप्पा। नॉर्मल वाला ये रहा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है गाइस, ये नॉर्मल गोलगप्पा है। इस वीडियो की लेंथ लंबी करनी है? अरे भैया हमें पता है ये नॉर्मल वाला गोलगप्पा, और वो उसके बराबर बैठा हुआ खान बाबा का पेट, तो तुम क्यों बता रहे हो? हमें भी तो दिखता है, अंधे थोड़ी है। और यहाँ पे मिलता है ये गोलगप्पा। इस बारे गोलगप्पे को खाना है, 500 रुपए मिलेंगे आपको। भैया 500 रुपए के पीछे अपने पिछवाड़े में आग लगवा लो। मतलब गोलगप्पे का साइज देख रहा हूँ, मेरे मुंह के साइज से इतना बड़ा है, अंदर पेट में जाएगा कैसे? पेट से पहले तो मुंह में जाना जरूरी है। तो पूरा सिस्टम समझाओ, मतलब कैसे खाना है, कुछ और नियम शर्त भी है इसकी? फूडी ब्लॉगर के सामने अंग्रेज का तड़का, यस। भाई साहब हाँ नहीं बोला गया, लोडने से यस कह के अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे हिंदी मातृभाषा भी हमारी बहुत अच्छी है, हिंदी में बोलते तो भी अच्छा लगता। क्या शर्त है? क्या आपको ये दिया जाएगा, उससे पहले आपसे 100 रुपए ले लिए जाएंगे। अच्छा 100 रुपए ले लिए जाएंगे, एक गोलगप्पा 100 रुपए का? एक गोलगप्पा 100 रुपए का, ठीक है। देख रहे हो भैया लोडे की कलाकारी, भैया 100 रुपए पहले ही ले लेंगे, क्योंकि भैया इनको पता है कि कोई इसको खा नहीं पाएगा, क्योंकि मुंह जो है इसके लिए इतना बड़ा करना पड़ेगा, और इतना बड़ा मुंह सिर्फ हिप्पोपोटामस का ही हो सकता है। आपको पूरा पड़ा का खाना है, पानी भरना है, पूरा खाना है, पानी की बूंद भरना है, पानी की बूंद भरना है, पूरा मुंह में जाना चाहिए, टूटे भी ना। अबे कैसा चैलेंज लेके आया, गोलगप्पा मुंह के अंदर जाए और फूटे भी ना? भैया इसको डायरेक्ट कैसे सटकना है, पहले आप ही सटक के दिखा दो। तो भैया गोलगप्पा तो आपने इतना बड़ा ले लिया, इसमें तो 1 लीटर पानी आ जाएगा। जो भी आएगा वो तो अपनी किस्मत है, जो भी खाएगा। अच्छा अपने अपनी किस्मत है, किसी ने खाया भी आज तक? 6 लोगों ने खाया, 6 लोगों ने खाया है इतना बड़ा गोलगप्पा? 6 लोगों ने खाया है, हमें तो भैया सबूत देखना अगर आपके पास हो तो। भैया जो 6 लोग खाने वाले हैं ना, मुझे लगता है वो इस ब्रह्मांड के थे ही नहीं। इतना बड़ा गोलगप्पा इस ब्रह्मांड में नहीं बन सकता, सिर्फ कुछ बकचोदों के लिए तैयार किया गया है, और खाने वाले भी इसको किसी बकचोद से कम नहीं होंगे। मतलब पूरा मुंह में चला गया था उनके। अरे भाई इंसान थे, राक्षस थे, कौन थे? अरे भैया हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं कि वो कौन थे। 6 लोगों ने खा लिया है भाई, तो मैं भी खाऊंगा, लगाओ जरा। तो पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं आनी चाहिए, चलो आज देखा जाएगा। आ गए गाइस, अपना भी नंबर ट्राई करने का गोलगप्पे को। आपको साइज देख कभी आइडिया लग रहा होगा कितना बड़ा है ये। अभी देखो मैं पूरा मुंह खोलता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना बड़ा है। ओ लेकिन फाड़ना नहीं भैया, देख लो कभी बाद में चीटिंग करी है। पानी निकल गया, कर दिए 100 रुपए बर्बाद, ये उम्मीद नहीं थी भैया आपसे। एक और किलो भाई, पहले वाला नहीं आया मुंह में, कोई दिक्कत नहीं, एक और लगवा रहे हैं। अपना दिल्ली से आए हैं इतनी दूर, थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। एक और 100 रुपए की बर्बादी। ये जब नहीं खा पा रहे तो क्यों चूर मच रही है? गाइस 2 ट्राई कर लिए, नहीं खा पाया, लेकिन हार नहीं मानूंगा, खा के जरूर जाऊंगा। भैया लगाओ एक और लगाओ। मतलब सीरियसली एक और? भैया कहाँ से आए हो आप, इतने गोलगप्पे खाओगे तो दस्त लग जाएंगे, फिर सारा दिन टॉयलेट में बैठ के भगते रहना। और ये भी हो सकता है डॉक्टर के जाके इलाज कराना पड़े। देख लो गोलगप्पे हैं वो, मेरा मतलब गोलगप्पा ब्रह्मांड का, वो भी सबसे बड़ा। साइज बहुत बड़ा है, आपको वीडियो में नजर आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, ये यहाँ पे छोटा दिखता है, मुंह के पास आता है ना बहुत बड़ा हो जाता है। देखो भैया ये गोलगप्पा सही में छोटा है, आप झूठ बोल रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो जनता को। ये गोलगप्पा सही में छोटा है, क्योंकि पहले जो साइज था और अब जो साइज आया, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाकी अब आप जब खाओगे तो पता चलेगा इसका साइज का। चुका यार अपना तीसरा गोलगप्पा, 300 रुपए हो जाएंगे, अगर जीता तो 500, 200 रुपए का प्रॉफिट आ जाऊंगा फिर भी। ओ भाई जीत गए, जीत गए, शाबाश।
अबे तो पहले पता था ये गोलगप्पा आप खा लोगे क्योंकि इसका साइज बिल्कुल नॉर्मल वाला साइज था। होगा तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा लेकिन ये वो वाला गोलगप्पा नहीं है जो आप पहले दिखा रहे थे। जनता को बेवकूफ बना रहे हो। लड़के का नाम दे दो। जीत चुका है। सातवा बंदा हो गया। जीतने वाला ही भाई। 500 रुपए जीत लिए। पार्टी पार्टी नहीं मेहनत की। परेशान हो गए। 500 रुपए देख लेंगे। 500 रुपए जाएंगे परेशान नहीं होंगे। अच्छा जब 500 रुपए का लालच देके लोगों के पिछवाड़े में दस्त लगवाने का इलाज तुम कर रहे थे तब तुम्हें 500 रुपए नहीं दिखाई दे रहे थे। जब तो 100 रुपए का एक गोलगप्पा देके कमाने की सोच रहे थे। आज 500 रुपए चले गए तो भैया क्या हो गया। और भैया जब आपको इतना ही दुख हो रहा है तो बकचोदी वाले चले निकालते हो भैया। सीधा साधा अपनी दुकान धंधा चला लो या फेमस होने के लिए तुम भी कुछ भी करोगे। इससे हासिल कुछ नहीं होगा दूसरों के पिछवाड़े में दस्त लगवाने के। अरे भैया 300 तो आएंगे भी आपके पास। लो अपने 300 काट लो। 200 दे दो मेरे को। मैंने खा लिया। अब ये भाई हमने क्या नाम है भाई अपना। मतलब मेरी जली तो जली अब दूसरों की भी जलवा दो। सब वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए हो रहा है ना। मुझे पता है। आसू अब ये भाई के लिए गोलगप्पा आ लिया है। अब देखते हैं भाई खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। खाएंगे आसू भाई खा लोगे। कोशिश करो। जीत गए तो 500 रुपए है। हार गए कोई बात नहीं। अरे एक बाबा को जरूर खिलाएंगे। बाबा बहुत देर से। अरे कोशिश तो करो। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करो करो जान दो। मतलब ये लोंडा पहले सोच के बैठा था इसको गोलगप्पा नहीं खाना है पूरा का पूरा। जब तो इसने हाथ में तोड़ दिया। और मतलब चला की देख रहे हो भैया कि इसने सोचा गोलगप्पा फ्री में मिलेगा मैं पहले गोलगप्पे को फोड़ू और फिर खा लूं। इनके चक्कर में अपने पिछवाड़े में आपकी लगवाऊं। वैसे लोंडा समझदार निकला ये। पूरा टूटने के बाद भी नहीं गया भाई। किसी और को ट्राई करना है। चलोगे कर लो। नहीं आप कर लो भाई। ये उस लोंडे की तो पहले ही देख के फटके चार हो गई। वो कहां से ट्राई कर लेगा। या इन फूडी ब्लॉगर के खुलने वाली है पोल। इन्होंने जो गोलगप्पा खाया था वो किस साइज का खाया था ये मैं नहीं ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे। बाबा खाओगे आप छोटा खा लो कोई बात नहीं। भैया एक और लगा दो मीडियम साइज का। ये बाबा को मीडियम साइज का गोलगप्पा भी बहुत बड़ा। देखा आपने इनके पास तीन वैरायटी थी। एक स्मॉल साइज की और एक मीडियम साइज की और एक लार्ज साइज की मतलब बड़े साइज की। भैया इन्होंने जो खाया था वो मीडियम साइज का गोलगप्पा खाया था क्योंकि बड़े वाला खाने के इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब इन्होंने ट्राई किया और इनके मुंह में नहीं जा पाया। वो साला गोलगप्पा थोड़ी है। गोलगप्पे के नाम पे साला वो एक बहुत बड़ा बम है। भैया इन्होंने जो वो गोलगप्पा खाया था वो खाया था मीडियम साइज का। तो भैया इस तरीके से हम लोगों का खुद्दू बनाते हैं। ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं भाई इन फूडी ब्लॉगर जो भैया है इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि ये हमेशा अपना जो रिव्यू देते हैं वो जेन्युइन रिव्यू देते हैं। इनकी मैंने काफी सारी वीडियो देखी है। मैं पर्सनली तो इनको नहीं जानता हूँ लेकिन इनकी जितनी भी वीडियोस देखता हूँ उसमें सारी चीज जेन्युइनली दिखाई जाती है। अगर टेस्ट उसमें अच्छा है तो ये टेस्ट अच्छा बताएंगे और गलत है तो गलत बताएंगे मतलब खराब। मेरा ये किसी को वीडियो बनाने का सिर्फ कोई हेट करने का मतलब नहीं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था। और मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को किस तरीके से फूडी ब्लॉगर बेवकूफ बनाते हैं। या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। 200 व्यूज तो करवा दो इस वीडियो।